प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए अनेक बामाशाहों द्वारा आमजन के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए कुछ बामाशाहों द्वारा अस्पताल में तो कुछ के द्वारा अनेक स्थानों पर शीतल जल का प्रबंध भी किया जा रहा है। इसी क्रम में पुष्कर में भी दो स्थानों पर ठंडे पानी की मशीन लगाई गई। इस संबंध में पुष्कर के पंडित कैलाशनाथ दादीच ने बताया कि हमारे निवेदन पर ब्यावर के आसवानी परिवार ब्यावर वाले काका जी की प्रेरणा से गर्मी को देखते हुए दो जगह ठंडे पानी की मशीन भेंट की गई है। आज इन दोनों मशीनों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष वर्तमान पालिका उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि प्रधान दिनेश नायक भाजपा मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव पार्षद मुकेश कुमावत सरपंच ओम प्रकाश द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तीर्थ गुरु पुष्कर राज जहाँ ब्रह्म सावित्री और ब्रह्म गायत्री जहाँ विद्यमान है, जो पूरे विश्व में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर और ब्रह्म सरोवर एक है, यहाँ भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ पुष्कर राज में ये आसवानी परिवार की तरफ से हमारे ब्यावर वाले काका श्री तेज भान जी आसवानी की प्रेरणा से उनको हमने निवेदन किया इनके परिवार को, तो आज हमने दो मशीनें यहाँ पुष्कर राज में तीर्थयात्रियों के लिए पुष्कर वासियों के लिए धर्म क्षेत्र के लिए ये आपकी तरफ से लगवाई गई है। ये ब्रह्म पुष्कर यज्ञ सेवा समिति बारा घाट पर जो धर्मार्थ प्याऊ है, एक मशीन वहाँ लगा करके अभी उसका लोकार्पण किया गया और ये दूसरी मशीन जो है एनिमल केयर सोसाइटी ये गौशाला जो है पुष्कर की जो गौशाला जहाँ गायें विराजमान रहती है या 52 भैरों के पास में ये दूसरी मशीन का यहाँ लोकार्पण हमने करवाया है। ये पुष्करवासी के लिए तीर्थयात्रियों के लिए और सभी के लिए ये गर्मी में भीषण गर्मी में जल मिलेगा और ठंडा पानी पी करके उनके आत्माओं से हमें दुआएं मिलेगी, ऐसी कामना के साथ हमने आज हमारे पुष्कर के पूर्व चेयरमैन श्री शिवस्वरूप जी महर्षि अरुण वैष्णव महामंत्री भाजपा मंडल और मुकेश जी कुमावत पूर्व उपाध्यक्ष पुष्कर नगर पालिका एवं हमारे सम्मानीय श्री प्रधान साहब पिसांगन पंचायत के श्री दिनेश जी नायक और डाबला सरपंच ओम जी के करकमलों द्वारा हमने ये कार्यक्रम यहाँ करवाया है और ये आज का लोकार्पण हमारे तेज भान जी आसवानी ब्यावर वाले काका की तरफ से श्रीमती लक्ष्मी देवी आसवानी एवं हरीश आसवानी की पुण्य स्मृति में ये हमने ये कार्यक्रम करवाया है। अपील क्या करना चाहते हो सभी भामाशाहों से? हम ये अपील करना चाहते हैं कि अभी भीषण गर्मी चल रही है और गर्मी ऐसी गर्मी में आप और हम सब मिलकर के जनमानस को जनता को ठंडा पानी मिले, ऐसी आप और हम सब मिलकर के ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी मैं शुभकामना सभी को करता हूँ। जय पुष्कर। बहुत बढ़िया है। हमारे गुरुजी आदरणीय पंडित कैलाशनाथ जी दादीच की प्रेरणा द्वारा अपने सभी यहाँ पर पुष्कर के अंदर में जब भी गर्मी आती है उस गर्मी के अंदर देखते हैं और यहाँ के माल यहाँ पर वाटर कूलर द्वारा सभी को ठंडे पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो मैं गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो भामाशाह है तो जैसे यहाँ आसवानी जी या जो ब्यावर से भी आए हुए हैं और ऐसे बहुत सारे यहाँ पुष्कर के अंदर वाटर कूलर लगाए हैं, तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भामाशाह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो सभी जगह अभी जो भीषण गर्मी है उस गर्मी के अंदर ये जो सभी जगह ठंडे पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी जैसे पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए ये ऐसे मतलब कार्य करते रहें, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस देश में विद्यमान है और सदा वो 12 महीने भ्रमण करते रहते हैं और लोगों को उपदेश देते रहते हैं कि सदा जारी रहे। एक बार एक गांव में एक बहुत बड़े संत आए, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई उनके नाम को सुनकर। उन्होंने एक ही बात कही कि आपके पास जो भी धन आपने इकट्ठा किया है वो धन आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, हाथ एक रुपया भी नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे जैसा मूर्ख आदमी वहाँ बैठा था वो सुन रहा था यार इतना धन इकट्ठा गया छोड़ लेके नहीं जाऊँगा, बैठा करने मतलब क्या, हार ही नहीं निकला। वो घर आके चिंता में पड़ गया, रात भर सोच रहा रास्ता निकला नहीं। सुबह उठ के उसने ऐलान किया अपने दरबार में कि जो भी मुनि मुझे इसका हल निकाल के देगा उसको 1 करोड़ रुपया मैं इनाम दूंगा। एक भी मुनि नहीं आया, एक भी मुनि नहीं आया 1 करोड़ रुपया लेने। उसके मन में चिंता शायद इनाम कम है, 1 करोड़ की किसी को परवाह नहीं है। उसने घोषणा की इनाम 5 करोड़ रुपया दूंगा। मुझे कहा रास्ता बताओ भाई, धन ये संत की बात में झूठी साबित करनी है, धन कैसे मैं ले जाऊंगा, इतना धन पड़ा है लेकर कैसे जाऊंगा। तो 5 करोड़ के लाल उसमें एक आदमी आ गया, आप जैसा बेईमान जी आ गया, बोला साहब 5 करोड़ दो मैं बता देंगे क्या। बोला साहब आप कभी अमेरिका गए? बोले नहीं गए। बोला कभी ईरान गए? तुर्की गए? कनाडा गए? भैया देखा आपको ये तो मालूम है भारत का नोट नहीं चलता है, हर जगह करेंसी अलग चलती है, तो जब आप बैंकों जाएंगे ना तो वहाँ की करेंसी भी अलग है, ये करेंसी वहाँ नहीं चलेगी।
पंडित जी आपको कह रहे हैं भाई ये करेंसी वहाँ नहीं चलेगी, लेकिन जो करेंसी वहाँ वो अगर आप ले जाओ तो पूरा माल आप ले जा सकते हो, करेंसी वहाँ की होनी चाहिए। बोला ठीक है, करेंसी बताओ कौन सी। बोला सीधी सीधी सी बात है, पुण्य कमाओ और साथ ले जाओ, वहाँ पुण्य ही चलेगा और कोई करेंसी नहीं चलेगी। ऐसी गुरु ने प्रेरणा दी है, आप वहाँ की करेंसी इकट्ठी कर लो, पुण्य इकट्ठे कर लो, वो पुण्य आपके साथ जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको कोई चुरा नहीं सकता। हम यही कह सकते हैं कि आप लोग भी कृपया प्रेरणा। ये श्री ब्रह्म पुष्कर महासभा द्वारा ये संचालित प्याऊ जो प्रधान वाला घाट पर स्थित है, ये छोटी बस्ती की ओर से संचालित की जाती है और विप्र सभा के द्वारा। आज ये जो इसकी तेजवान आसवानी है प्यावर के, उन्होंने अपनी ओर से एक ठंडे पानी की मशीन यहाँ लगवाई है, जिसका भी मुहूर्त किया इन्होंने, और गर्मी भीषण गर्मी को देखते हुए ये प्याऊ 12 ही महीने वैसे संचालित होती है, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए अभी ठंडे पानी की मशीन लगाई है। पहले जो मशीन थी वो खराब हो गई थी। भामाशाह को क्या अपील करना चाह रहे? ऐसे और भी भामाशाह है जिनको आगे आना चाहिए, और जहाँ जहाँ चौराहे हैं, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, जहाँ यात्री ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर से ठंडे पानी की मशीनें और लगनी चाहिए। और मैं उन भामाशाह को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्य में पहल की है। मेरा नाम नरपत सिंह राजपुरोहित, अध्यक्ष श्री ब्रह्म पुष्कर महासभा योगी समिति छोटी बस्ती पुष्कर। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.